प्रत्याशी इसी वीक आपके प्रत्याशी हम घोषित हमारे प्रत्याशी घोषित कर देंगे। बिग गन्स जो है वो मैदान में उतरेंगे जी पंजाब में। बिग गन्स पंजाब में हमारे पास है ही बिग गन्स, जो हमारे पास स्मॉल गन्स थी वो हमें छोड़ के चली गई है, उनको हमने ऑलरेडी अलविदा कह दिया है, जो छोटी गन्स थी अब हमारे पास बिग गन्स ही है। जी जी, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ जगह जगह। बिल्कुल, अब एजेंडा एक ही है, बीजेपी को पंजाब में किसी तरह से भगाना है, क्योंकि मोदी जी का जो एजेंडा है पंजाब को खत्म करने का एजेंडा है, कि पंजाब के किसान को, पंजाब को जो तिरखी नजर से मोदी जी देखते हैं, आज अंबाला नहीं जाने दिया, पहले दिल्ली बॉर्डर पर मरवा दिए, आज अंबाला नहीं जाने दिया, वहां मार दिया, कल हमें गांव से बाहर नहीं निकलने देंगे। हमें उन लोगों का निकाब करना है जो मोदी फॉर मोदी हैं और जो मोदी से मिले हुए हैं जहां बाद में मिल जाएंगे। पंजाबियों को मैं एक ही अपील करना चाहता हूं कि आज लड़ाई कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो मोदी से लड़ सकती है। 450 सीट पर हम ही लड़ रहे हैं, चाहे इंडिया गठबंधन है कहीं कहीं पर हमारा, लेकिन वास्तव में लड़ाई कांग्रेस पार्टी ही दे रही है। अगर देश के संविधान को बचाना है, बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, अगर लोकतंत्र बचाना है, अगर किसान बचाना है, अगर पंजाब बचाना है, पंजाबियत बचानी है, तो एंटी मोदी वोट कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ही मुकाबला कर सकती है। हरजीत गरेवाल कह रहे हैं कि किसान नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहे। बिल्कुल हरजीत गरेवाल, क्या कांग्रेस पार्टी के तो सारे कैंडिडेट भी आप ले गए? मैं तो आगे एक नारा देता हूँ, नारा क्या, नारा 400 पार का, कैंडिडेट सारा उधार का। तुम इनकी बात क्या करते हो, किसान कांग्रेसी हैं या फला हैं? आपके जो कैंडिडेट हैं वो भी तो हमारे से गए हैं, आपके पास तो बीजेपी के पास एक भी कैंडिडेट नहीं है, और गरेवाल को तो अभी तक किसी ने कैंडिडेट नहीं बनाया है, जो बरसों से बीजेपी का नाम जपने वाले और खुद अध्यक्ष लड़ने के लिए भाग रहे हैं। विधायक आम आदमी पार्टी देने, पिता बसपा तो चुनाव लड़ रहे हैं यार, इस बारे निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये तो आगे देखियो की आने वाले समय देखियो। मैनू लगता कि अद्धी आम आदमी पार्टी बीजेपी शामिल हो जाएगी, अद्धी खिंच जाएगी। अच्छा ब्रिंग साहब, ये टिकट कब तक ऐलान हो जाएगी? टिकट मैंने बोल दिया ना, इसी हफ्ते अनाउंस कर देंगे। बलकौर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं सर? ये तो बलकौर सिंह जी बता सकते हैं, आप हमारी हमेशा, हमारा तो एक परिवार है, लेकिन फैसला उनका है लड़ना है या नहीं लड़ना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारा एक परिवार है, कांग्रेस परिवार है, हमारा परिवार है, बलकौर सिंह सबके हैं, ना केवल कांग्रेस के, पूरे पंजाब के बलकौर सिंह है, हर युवा साथी बलकौर सिंह को प्यार करता है, और बलकौर सिंह एक ही बात कहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, मेरे पुत्रों के जिन्होंने कत्ल किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, कौन बचा रहा है, कौन सी पार्टियां उनको बचा रही हैं, चाहे दिल्ली की हो चाहे पंजाब की हो। अच्छा वरिंग साहब, एक और सवाल है, लास्ट सवाल, कि कुछ दिन पहले चन्नी साहब जो है वो भी अयोध्या गए थे, अकेले जो है उनको भी लेकर चल रही है, तो भाई ये चन्नी साहब से सवाल कीजिए, मेरे को लगता है कि चन्नी साहब का अयोध्या जाना ना जाना वो उनका पर्सनल डिसीजन है, हमारे तो दिल में हमने कहा है, हम कोई आज से राम जी के भगत नहीं है, बरसों से हैं हम लोग, और अयोध्या जाने से हम ज्यादा भगत नहीं हो जाएंगे, हमारे दिल में है, हम हर हर धर्मों की कदर करते हैं, हर धर्म हमारे दिल में है।